हमीरपुर जनपद के मझगावा क्षेत्र के खराखर गांव में छात्रा का जान देने का मामले में गुरुवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी मदद का आश्वासन दिया है। मझगावा थाना क्षेत्र के एक खराखर गांव में छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी थी, जिस पर सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले को गंभीरता से लिया, जिनके निर्देश पर जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से एक घंटे तक मुलाकात की। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को हर संभव प्रयास का वादा किया। जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल ने कहा कि छात्रा के साथ हुए अन्याय के मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संज्ञान में लिया और समिति बनाकर पीड़ित छात्रा के घर हकीकत जानने के लिए भेजा। उन्होंने कहा इस मामले में निष्पक्ष जाँच हो, घटना के पीछे दोषी कौन है और राजनीतिक संरक्षण में पल रहे आरोपितों के लिए कौन मदद कर रहा है। इस मामले में न्यायिक जांच हो ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पुष्पेंद्र यादव ने कहा विधानसभा चुनाव 2017 में नारा था बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन पार्टी इस नारे को कायम नहीं रख सकी और प्रदेश में बेटियों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है, ऐसे में बहु बेटियों को घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने बताया सारी रिपोर्ट सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दी जाएगी। सपा का मंडल आया हुआ है खराखर में, तो कौन कौन से लोग, कितने लोग आए हैं? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खराखर की घटना को संज्ञान में लेते हुए 8 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल यहां पर गठित करके कि घटना की जाकर के तफ्तीश करें, जाकर के देखें कि हकीकत क्या है वहाँ पर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने आकर के यहाँ पे उस परिवार से मिले, दुखद परिवार से मिले, पीड़ित परिवार से मिले और जब देखा तो हकीकत में देखा गया यहाँ पे कि जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में 17 के आई थी तो इसने एक नारा लगाया था कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में और सेव बेटी सेव डॉटर बेटी बचाओ को जो नारा देने वाले लोग थे, आज वही लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर अत्याचार और शोषण है पूरे उत्तर प्रदेश में तो वो बेटियों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, बच्चियों के साथ हैं। वही एक उदाहरण है आपके सामने खड़ाखर का। और खड़ाखर में जिस तरीके से स्थानीय लोगों को स्थानीय नेताओं का संरक्षण है, यहाँ के जो नेता हैं वो पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे, अपराधियों की मदद कर रहे थे और उसी का जीता जागता उदाहरण है। नहीं तो इतनी बड़ी ये घटना बेचारी वो बेटी को आत्महत्या करने की ज़रूरत ही न पड़ती अगर उसकी सुनवाई हो जाती और कार्रवाई हो जाती। आपको याद होगा ये घटना, एक कांड हुआ था हमीरपुर ज़िले में, 24 घंटा नहीं हुए थे, हमीरपुर के एसपी को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, 24 घंटे के अंदर एसपी को सस्पेंड करने का काम किया था। आज कार्रवाई के नाम पे क्या मिला? सुन, एक बेटी ने अपनी आत्महत्या कर ली। और केवल एक ही घटना नहीं है, अभी कुछ दिन पहले मझगुआ में हुआ था, एक बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और फिर उस बेटी को हत्या करके उसको उसको चढ़ा दिया गया था, फांसी का नाम दे दिया गया था। और लगातार पूरे क्षेत्र में जो स्थानीय नेता हैं इनके इशारे पर इनके गुर्गे अपराध को अंजाम दे रहे हैं, अपराध को बढ़ा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। अरे हम आपको इस बात को पूछना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आप चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, आप तो यहीं से फ़ोन लगाते, अब कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप फर्जी फ़ोटो दिखा करके, फर्जी फ़ोटो लगा करके अखबारों में क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं आप? अगर इतने हितैषी होते किसी भी समाज के, हम किसी समाज की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपराधियों के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे होते तो आज कड़ी कार्रवाई होती, इस तरह की घटना नहीं घटती समाज में। इसलिए पूरा ये सत्ता के संरक्षण में ये सब चीज़ें चल रही हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं तो केवल स्थानीय नेताओं और सत्ता के संरक्षण पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। असर माननीय अखिलेश जी के आदेश अनुसार यहाँ पे कितने लोगों का पैनल आया? 7 लोगों का पैनल आया था, जिसमें हमारे पूर्व विधायक थे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे और सभी लोग थे। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, ये खड़ाखर में घटना हुई थी, जो इस लड़की के साथ अन्याय हुआ था बहुत काफ़ी दिन पहले, 20-22 दिन पहले, जो यहाँ के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उस बदतमीजी घटना में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद में फिर लड़की 20 दिन बाद फांसी ख़त्म हो गई, उन्होंने तुरंत एक समिति बनाकर यहाँ भेजा निष्पक्ष जाँच करने के लिए कौन कौन लोग हैं जो इस कांड के लिए दोषी हैं और कौन उनको बचा रहे हैं। इसलिए उन्होंने भेजा था कि इस कांड की न्यायिक जांच हो और ये मुद्दा आगे उठाया जा सके जिससे उसको न्याय मिले।
हमीरपुर से यूपी 24 न्यूज के लिए सीतू सेंगर की रिपोर्ट।